बात मैंने यहां लिख रखी है। गॉसियन नियम दो शर्तों पर निर्भर करता है। पहला, गॉसियन परत के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होना चाहिए। दूसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा गॉसियन परत के लंबवत हो या फिर गॉसियन परत के स्पर्श रेखीय होने चाहिए। अरे सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये कैसा बनाऊं मैं, कुछ है नहीं यहाँ पे, चलो फिर भी थोड़ा ठीक है, मान लो ये ऐसा प्रश्न है ना, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा प्रश्न है गॉसियन परत, मान लो एक बार पूछने के लिए ऐसा गॉसियन परत, ठीक है। अब गॉसियन परत मान लो इसकी इस प्रश्न के इस बिंदु पर इस बिंदु पर इस बिंदु पर सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, समान। अब मान लो मैंने अगर यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालूंगा तो कैसे, ऐसे इसके लंबवत, समझ में आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर कैसा होना चाहिए इसके स्पर्श रेखीय होना चाहिए। देखो यही बना रखा है मैंने, और अगर इस डायरेक्शन में हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये गॉसियन परत नहीं कहलाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। दूसरी बात जरा देखो जल्दी से, गॉसियन परत की आकृति और आकार कैसा भी प्रभाव हो, गॉसियन परत की आकृति और आकार कैसा भी हो, कुल विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात ध्यान रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही है। अगर मान लो इसके सेंटर पे रखा है क्यू चार्ज तो इसका विद्युत फ्लक्स होगा फाइव ई बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स गुजरेगा गॉसियन परत से। समझ में आ रही है बात, हमेशा अगर आकृति ऐसी होती, मान लो सिलेंड्रिकल होती, यानी कोई सिलेंडर है और यहां सेंटर पे रखा हुआ होता तो भी फ्लक्स कितना गुजरेगा, इतना। लेकिन अगर ये गॉसियन परत इस टाइप का है और चार्ज यहां रखा हुआ है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। ये भी बताएंगे कैसे कि ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ये विद्युत रेखाएं जा रही है ऐसे, कितना फ्लक्स गुजरेगा, जीरो। क्यों गुजरेगा वो हम बताएंगे अब आपको, समझ में आ रहा है। वो क्या बताएंगे अब अगले वीडियो में बताएंगे कि क्यों होता है ऐसा, राइट। आई होप कि ये बातें समझ में आई होगी, एक छोटा सा टॉपिक है और इसको अच्छे तरीके से आप क्या करोगे, याद कर लोगे, ठीक है, और आप पढ़ाई करते रहिए।